आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, विद्युत चुंबक के तरंग की उत्पत्ति के संबंध में हर्ट्ज के प्रयोग का निम्नांकित शीर्षक के अंतर्गत वर्णन कीजिए प्रायोगिक निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या बताना है कि हर्ट्ज के जो प्रयोग थे उसमें उनका प्रायोगिक निष्कर्ष क्या निकला था। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा ये प्रायोगिक यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ पे ये हर्ट्ज की प्रायोगिक व्यवस्था है। ठीक है, प्रायोगिक व्यवस्था, इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज की उन्हें वो यहाँ पे उन्होंने उपयोग किया। ठीक है, व्यवस्था है तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने दो प्लेट ली है P1 और P2, इन दोनों के बीच की दूरी उन्होंने 60 सेंटीमीटर रखी। ठीक है, और यहाँ पे ये S1 और S2 दो गोले लिए। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच की दूरी में रखा। यहाँ पे एक प्रेरक है। ठीक है, प्रेरक है जिसका क्या होता है, दो, जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो प्रेरक होता है वो उसमें दो भाग होते हैं। ठीक है, प्राथमिक भाग और द्वितीय भाग। तो प्राथमिक भाग को क्या किया गया, यहाँ पे विभवांतर दिया गया। ठीक है, और इसके जो ये द्वितीयक भाग जो थे इससे यहाँ पे S1 और S2 गोले को यहाँ पे इससे जोड़ा गया। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे ये रखिए और यहाँ पे इसके समांतर अन्य दो गोला S-S1- और S2- ले लेते हैं, ये रखा। ठीक है, ये उनकी प्रायोगिक व्यवस्था थी। अब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो ये प्रेरक है ये अन्योन क्रिया करने, यहाँ पे ये क्या है, S1 S2 से जुड़ा हुआ है, तो अन्योन क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है यहाँ पे कि, और दोस्तों ये जो यहाँ पे जो प्लेट P1 और P2 के बीच में उच्च विभवांतर रखा उन्होंने। ठीक है, उच्च विभवांतर लगभग उन्होंने कितना रखा, 10,000 वोल्ट। ठीक है, उच्च विभवांतर रखा। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे उच्च विभवांतर जैसे ही प्रेरक से जाता है तो S1 और S2 के यहाँ पे क्या है, माध्यम में हवा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वायु जो होता है, ठीक है, वायु गैप में क्या होता है कि वहाँ की वायु अन्योन क्रिया से क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। यहाँ की वायु क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है अन्योन क्रिया के वजह से। ठीक है, तो आयनित हो जाती है और यह आयन क्या करने लगती है, कंपन करने लगती है। आयनों के कंपन से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ चित्र पे देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, आयनित होने से क्या हो जाता है कि उसके कण में कंपन होने लगता है और कंपन के फलस्वरूप हमें क्या मिलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग मिलती है। तो जैसे दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है तो यहाँ पे जो ये हमारा S1- और S2- है, ये जो हमारा संसूचक रखा हुआ है, ये हमारा क्या है, संसूचक, इसमें क्या होती है, इस विद्युत चुंबकीय तरंग आने से यहाँ पे स्पार्क होने लगता है। ठीक है, स्पार्क होने लगता है। तो यहाँ पे हर्ट्ज ने देखा कि जब इन संसूचक को उन्होंने लंबवत रखा तो यहाँ पे कोई भी स्पार्क उन्हें नहीं दिखाई दी। ठीक है, लेकिन यदि इन दोनों को समांतर रखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है। ठीक है, तो इससे उन्होंने यहाँ पे निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा जो विद्युत चुंबकीय जो तरंग है वो क्या है, ध्रुवित है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग वो क्या है, ध्रुवित है। ठीक है, ये उनकी निष्कर्ष थी इस प्रायोगिक व्यवस्था की। ठीक है, क्या थी कि यहाँ पे एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है और ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, ध्रुवित होता है। ये इन्होंने कैसे पता लगाया कि अगर संसूचक को उन्होंने लंबवत रख दिया तो वहाँ पे कोई भी स्पार्क नहीं मिली, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था, विद्युत चुंबकीय तरंग का कोई भी वहाँ पे प्रभाव नहीं था, लेकिन समांतर रख देने से इन दोनों गोलों पे स्पार्क हो रही थी। ठीक है, तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पे उत्पन्न होती है जो कि क्या होती है, ध्रुवित होती है। यही उनके प्रायोगिक का निष्कर्ष था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।